और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है। शहीद पार्क पर पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी और लगातार प्रदर्शनकारियों का हंगामा यहां देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर। हम छात्र हैं, यहाँ DU से पढ़ते हैं। तो ये जी हिंदुस्तान पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। शहीदी पार्क की ये तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें आपके सामने जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही जिस तरह से पुलिस की तैयारियाँ थी हर तरह के हालात से निपटने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से रास्ता दिखाते हुए भीड़ को अलग करते हुए लेकर जा रही है। तो ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ITO के पास शहीदी पार्क है, वहां की ये तस्वीर है जहाँ पर प्रदर्शनकारी देखिए बड़ी संख्या में उतर आए हैं सड़कों पर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। क्या कुछ कहना है महिला का, लगातार सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दो अलग अलग तस्वीर जो है टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से शहीदी पार्क के पास प्रदर्शनकारी जो है वहां पर पहुंच गए थे, और कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें कुछ देर पहले की है कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और कुछ को हिरासत में लेकर यहाँ से पुलिस गई भी है। कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर तमाम लोग सड़क पर उतर आए हैं और चक्का जाम की ये तस्वीरें, लगातार जिस तरह से इस चक्का जाम को लेकर तैयारियां की जा रही थी, किसानों की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। और तो ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, किसान शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहना है राकेश टिकैत का, किसानों को देश की मिट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो सरकार को कृषि कानून वापस लेना होगा, राकेश टिकैत इस बात को दोहरा रहे, बार बार एक ही मांग की जा रही है, कृषि कानून को वापस लेने की बात राकेश टिकैत की तरफ से की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं राकेश टिकैत, तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी यही तो फ्री के मल्टीनेशनल कंपनी कब जाना करे, वो आ गया ना जवान, आ गया ना रक्षा के लिए, ये किसान की रक्षा पे ला गया, ये मिट्टी पे कोई कंपनियां कब्जा नहीं कर सकती। बिल्कुल ये राकेश टिकैत के साथ तौर से कहना यह है कि यही हम चाह रहे थे कि कंपनी कोई भी किसानों की मिट्टी पे कब्जा करे। मैंने जवान को और मिट्टी को प्रणाम करा, आज देख रहे हैं आपने खेत को, तो मेरे देश का खेत सुरक्षित है, लेकिन आपके खेत के आगे तो एक और बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वो सुरक्षा कर रहे हैं उसकी मिट्टी। अच्छा, अच्छा, लेकिन दो राज्य हैं वहाँ पे प्रदर्शन आप लोग, वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचनाएं मिली, ये तिरंगा और किसान संगठन का एक झंडा लगा रहे हैं कुछ लोग, उसका डर हो रहे हैं, उसकी पुख्ता हमारे पास में सबूत वगैरह ला रहे हैं हमने। आज के चक्का जाम को लेकर क्या कहना चाहते हैं, पूरे भारत में जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ हो सकते हैं, वहाँ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया। अभी तक चक्का जाम की 12 बजे से चक्का जाम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज आजा होगा, धन्यवाद जी। कौन संचालन कर रहा है टिकैत जी, कौन संचालन कर रहा है पूरे देश का, क्या आप लोग? पूरे देश का किसान अपना मोर्चा अपना संचालन, क्या 3 बजे तक? 3 बजे तक नहीं नहीं 3 साहब, अभी मैं ITO लाल किला इन तमाम जगह होके आया हूँ, सुरक्षा पुलिस वहाँ क्या कोई हमारा है, उनका कहना यह है, उनका कहना यह है कि किसान और उनके बीच जो उपद्रवी है वो कुछ भी कर सकते हैं, हम इसलिए अपनी तरफ से इस बार कोई वहाँ नहीं, हमारा दिल्ली में नहीं। कैसा मेट्रो, शांतिपूर्ण शांति हट जाओ ना, जिस दिन का हो गया हटो। कैसा एक दर्जन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं दिल्ली में, नहीं पता नहीं मुझे, ना दिल्ली का इंतजाम किए गए, सुरक्षा तो करनी चाहिए। और अब ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैदराबाद की है, तो देश के हर कोने से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जी हिंदुस्तान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है
कि किस तरह से देखिए अलग अलग तस्वीरें चक्का जाम को लेकर किस तरह से लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती है। पानीपत से अक्षय और हितेन जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अक्षय और हितेन, चक्का जाम को लेकर क्या तस्वीरें? अक्षय, तो अक्षय और हितेन से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैदराबाद से दिखा रहे हैं, ये दो अलग अलग तस्वीर देखिए हैदराबाद की, किस तरीके से यहाँ पर भी बड़ी संख्या में किसान जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, किसान नेता जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं। और कुछ देर पहले हमने बेंगलुरु की जब तस्वीर दिखाई थी, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। हैदराबाद की ये दो अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो ये दो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक तस्वीर हैदराबाद की, दूसरी तस्वीर जो है वो मोहाली की आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और सबसे पहले अपने दर्शकों तक जी हिंदुस्तान ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं, कहीं हाईवे जाम किया गया है, कहीं सड़कों पर प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की भी तस्वीर हमने कुछ देर पहले दिखाई, हैदराबाद की और मोहाली की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सड़क पर ही बैठ गए हैं किसान नेता और किसान, और यहाँ पर जो जाम लगा हुआ है इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। 12 से 3 बजे का वक्त रखा गया था और अलग अलग शहरों से जो तस्वीर आ रही है वो यही दिखाने के लिए कि यहाँ पर किसान जो है वो एकजुट है। पहली तस्वीर मोहाली की आप देख रहे हैं, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पुणे की तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर मोहाली की देख रहे हैं। देखिए कितनी भारी संख्या में जो है किसान वहां सड़कों पर बैठे आए हैं और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो मोहाली और पुणे की ये तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि चक्का जाम का देश भर में किस तरह का असर दिख रहा है। सुमित और रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित और रमन, वहां क्या तस्वीरें मिल रही है चक्का जाम को लेकर? राकेश टिकैत का कहना है कि शांति के साथ हो रहा है प्रदर्शन। देखिए मल्लिका, पिछले एक घंटे से देखिए हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है किसानों की ओर से, और देखिए महिलाओं को सड़कों के बीचों बीच बैठा दिया गया है, और देखिए लंबा जाम जो है वो खासकर लग गया है क्योंकि ये जो तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दिल्ली से रोहतक की ओर जाता है और यहाँ लगातार यहाँ गाना बजाना भी हो रहा है और साथ में ट्रैफिक जो है वो काफी जाम की स्थिति यहाँ नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ जी सुमित, तो संपर्क सुमित और रमन से टूट गया है लेकिन लगातार देखिए वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी हिंदुस्तान की टीम ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है कि किस तरह से चक्का जाम का देश भर में असर दिख रहा है। 12 से 3 का हालांकि वक्त मुकर्रर किया गया है लेकिन देखना होगा कि क्या 3 बजे तक ये चक्का जाम खत्म हो जाएगा। हितेन का रुख कर लेते हैं, हितेन भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हितेन आप दिखाइए क्या तस्वीरें चक्का जाम से जुड़ी। बिल्कुल, देखिए पानीपत टोल प्लाजा पर मैं और अक्षय इस वक्त जो है सुबह से लगातार मौजूद है। देखिए यहाँ पर किसान भाई किस तरीके से बैठे हुए, शांति से पूरा आंदोलन चल रहा है। ये बैठे हुए नारेबाजी भी अब बंद हो चुकी है, अब ये दिखा रहा है कि 3 बजे तक इसी तरह से अक्षय ये पूरा प्रदर्शन जो है चलता रहेगा। और इसमें इस आंदोलन में आप देखेंगे तो बच्चों को भी यहाँ पर बिठाया गया है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और आपको जवान भी मिलेंगे, यानी हर उम्र के लोग इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई उत्पात नहीं है, यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से रूप आपको दिख रहा है। देखिए टोल पे गद्दा लगा दिया है और बैठे हैं और हुक्का पीते ताऊ जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन चौपाल चल रही है, एक चौपाल चल रही है जिसमें इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो दूसरे हिस्सों से तस्वीर मिल रही है उससे इतर यहाँ पर एक प्रॉपर पैसेज, ये मैं चाहूंगा आप महबूब यहाँ पर आइएगा, ये जो पैसेज है ये रोड पूरी तरीके से खाली रखी गई है, ये लेन इस पर कोई गाड़ी आती है तो उसे हटाया जाता है और इसकी वजह ये है कि अगर बिल्कुल एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया जाता है। ये पूरा यहाँ पर पैसेज सिर्फ इसलिए खाली रखा गया है कि एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी व्हीकल है उसे यहाँ से जाने दिया जाए। तो हिंदुस्तान ने यहाँ पर सुबह एक एनएसजी कमांडो की गाड़ी निकलवाई, डॉक्टर की गाड़ी निकलवाई और उसके बाद हमने तस्वीरें भी दिखाई। हम ये मानते हैं कि जय जवान जय किसान सिर्फ कहने की बात नहीं है, उसे निभाना भी पड़ेगा, यही वजह के वो तस्वीर हम दिखा रहे थे। अभी कुछ बसेज यहाँ पर रुकी आपको नजर आएंगी, ट्रक यहाँ पर है, उसके अलावा आप देखिए दूसरी तरफ मोटरसाइकिल, वो जो रास्ता है ये दिल्ली की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी आपको कमोबेश वही मंजर देखने को मिल
मिलेगा। हाथों में जो तिरंगा के साथ साथ किसान आंदोलन से जुड़े झंडे लिए तमाम लोग हैं और यहाँ लंगर भी चल रहा है। इसके साथ साथ सड़क पर चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश में लोग गद्दे पर बैठे हुए आपको नजर आ जाएंगे और बड़ी बड़ी लंबी कतार जो है गाड़ियों की यहाँ आपको भी नजर आ रही होगी। लेकिन अक्सर मुझे लगता है उस तरफ का भी रुख दिखाना चाहिए कि जब ये रूट बंद है तो वहां कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहां से तो पुलिस ने चालाकी कर दी है कि एक रूट डाइवर्ट कर दिया है जिसकी वजह से कुछ लोग उस रूट का इस्तेमाल करके यहां के जाम से बच पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है वो यहां पर फंसते भी जा रहे हैं। और ये दूसरी तरफ जो टोल प्लाजा के दूसरे ओर की तस्वीर है वो भी दिखा रहे हैं। महबूब, मैं चाहूंगा कि आप आगे आइए, वो भी खाली है, वो तस्वीरें दिखा लीजिए कि किस तरीके से वहां पर गाड़ियों का समूह देखने को मिल रहा है। देखिए अक्सर यहाँ भी जो है ज़्यादा लंबी कतार गाड़ियों की दिख नहीं रही है, यानी कि हरियाणा पुलिस, पानीपत पुलिस ने जो चालाकी की है ना, वो कहीं ना कहीं सबसे होती नजर आ रही है कि किसानों का प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण चलता रहे, उन्हें 3 घंटे सड़क पर बैठे रहने दो अपने समर्थकों के साथ, तो गाड़ियों को और लोगों को दिक्कत ना हो, तो रूट पहले ही दो फिलहाल दो अलग तस्वीर दिखा दे। आज चक्का जाम है पूरे देश में, किसानों की तरफ से एकजुटता दिखाते हुए 12 से 3 बजे का वक्त मलिका रखा गया है चक्का जाम का। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा कल रात ही पहुंच चुके थे और आज नादिया में वो वहां हुंकार भरने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। और देखिए मालदा से ममता बनर्जी पर बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा हमला, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ममता सरकार ने किसानों की मदद रोकी, किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं दिया। पीएम ने किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए दिए, ममता दीदी ने किसानों के साथ अन्याय किया, ये कहना है जेपी नड्डा का। किसानों को केंद्र के 6,000 नहीं दिए गए, बंगाल में सिंचाई भंडारण के इंतजाम नहीं है। तो जेपी नड्डा ने यहां किसानों को लेकर जो है ममता बनर्जी को घेरने की बात की है और यहां साफ तौर पर जेपी नड्डा का कहना मलिका कि जो केंद्र से सहायता दी गई किसानों को वो राशि किसानों तक नहीं पहुंची क्योंकि केंद्र की योजना लागू ही नहीं की ममता बनर्जी ने। यहां बंगाल में सिंचाई भंडारण के इंतजाम नहीं किए गए, ये जेपी नड्डा का कहना है। बंगाल में अब जय श्री राम के नारे लगते हैं, ममता को जय श्री राम के नारे से भी डर होता है, आखिरकार ये डर क्यों है? तमाम मुद्दों को लेकर यहां जेपी नड्डा ने टारगेट किया है ममता बनर्जी के ऊपर। जो किसान निधि की बात की जाती है, जो केंद्र की तरफ से सहायता तमाम राज्यों में दी गई है किसानों को, वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई, उसे लेकर यहां टारगेट किया है जेपी नड्डा ने। आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाई को दोनों की तस्वीरें मिलती हैं, पीसी और भाई को दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। तो बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और बीजेपी का वहां पर अब रथ भी चलेगा और ये तस्वीरें जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी तस्वीरें जो आज वहां से आई वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही ममता दीदी पर हमला बोला है यहां पर जेपी नड्डा ने, ममता सरकार ने किसानों की मदद रोकी, क्योंकि एक तरफ देखिए किसान आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चक्का जाम हो रहा है, देश भर से जो तस्वीर आ रही है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्वक चक्का जाम, उसको लेकर क्या संदेश आप दे रहे हैं? शांतिपूर्ण तरीके से है और जो लोग वहां पर रुकेंगे कहीं पे भी उनको आप मूंगफली, लंगर, भंडारा, पानी, लस्सी, दूध, चाय सब उनको पिलाओ। जो आपके किसान जो भाई हैं जो चक्का जाम हर जगह कर रहे हैं उनको टीवी के माध्यम से क्या संदेश? उनको टीवी के माध्यम से ये है कि जो लोग भी रुकेंगे वहाँ पर अपनी बात बताओ, अनाज किस रेट में खरीद हो रही है, आपको क्या रेट मिल रहा, उनसे लिखो। कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर कोई विशेष व्यवस्था, जो अप्रिय घटना हो उसको चंटेंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम जो है वो किया जा रहा है और कहीं भी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हो रही है, ये कहना है राकेश टिकैत का। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों का हंगामा देखने को मिल रहा है, शहीदी पार्क पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी, अचानक ही कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो शहीदी पार्क पहुंचे हैं, पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में भी लिया है। शंभू बोजर से साक्षी मेरी सहयोगी जुड़ रही है,
उनका रुख कर लेते हैं। साक्षी आप दिखाइए क्या तस्वीरें। जी बिल्कुल, शंभू बॉर्डर से तस्वीरें जो कि चक्का जाम की आपको मैं दिखाना चाहूंगी। माहौल यहां पर क्या है, चारों तरफ यहां पर जो किसानी एकता के झंडे हैं वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग हरियाणा और पंजाब के जितने भी जत्थेबंदी हैं, अलग अलग यूनियंस के झंडे यहां पर लहरा रहे हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय झंडा भी यहां पर लहराता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एकता को दर्शा रहे हैं यहां पर। चक्का जाम का आज जो देशव्यापी आह्वान किया गया था किसानों के द्वारा, उसे कहीं ना कहीं मुकम्मल करते हुए किसान यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं एक और बात आपको बता दें कि 12 से 3 बजे तक का 3 घंटे का ये चक्का जाम किया जाएगा। 3 बजे अपने आप ही जिस तरह प्रशासन से बातचीत हुई है, हमने भी किसानों से बातचीत की है, 3 बजे तक वो अपने इस चक्का जाम को खोल देंगे। और आज सांकेतिक तो साक्षी से लग रहा है कि संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। साक्षी आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे और तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा। और देखिए ये गाजीपुर बॉर्डर की आपको सीधी तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर हम दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वो आप देखिए। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग यहां पर दुरुस्त तरीके से की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, किसी तरह की अगर हिंसा होती है तो उससे निपटा जा सके। और लगातार देखिए हमारी टीम आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है ग्राउंड जीरो से कि चक्का जाम का देश भर में क्या असर देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोग शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम जो इस आंदोलन का हिस्सा है उसको कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और चक्का जाम की ये तस्वीरें देश भर से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ये लोग चक्का जाम कर रहे हैं। लेकिन हर तरह के हालात से निपटने के लिए सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं तमाम बॉर्डर्स पर। साक्षी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। साक्षी आप अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरें पहुंचाइए दर्शकों तक। जी देखिए तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर शंभू बॉर्डर की दिखा रही थी, पंजाब और हरियाणा का ये बॉर्डर लगता है और दिल्ली जाने के लिए भी जो मुख्य मार्ग है वो ये शंभू बॉर्डर ही है। और बता दें कि जो किसान है वो यहीं से लगातार जब कूच किया था उन्होंने दिल्ली की ओर का, तब यहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत करते हुए दिल्ली तक पहुंचे थे। बहुत मुख्य बॉर्डर है ये इस आंदोलन के मद्देनजर और बड़ी संख्या में किसान यहां तक मौजूद है। अगर दूर दूर तक पीछे तक मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो बहुत दूर जाके वहां पीछे पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है जहां पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। वहीं इधर जिस तरफ कैमरामैन आपको माहौल दिखा रहे हैं उस तरफ स्टेज बना हुआ है, जो भी बड़े चेहरे यहाँ पर किसानों के पहुंच रहे हैं वो स्टेज पर पहुंचकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं एक और बहुत अहम बात है कि यहाँ पर कई पीढ़ियां नजर आ रही हैं, न सिर्फ बच्चे और बूढ़े बल्कि जवान और हर एज ग्रुप के, हर जो आयु वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर इस आंदोलन। जी तो साक्षी कह सकते हैं कि एकजुटता का प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। हितेन का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हितेन। हितेन आप कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए। बिल्कुल श्वेता, देखिए पानीपत टोल प्लाजा की ये तस्वीरें अक्सर काफी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल देखिए, एक मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच, वहीं दूसरा मैच यहां पर चल रहा है जो तमाम प्रदर्शनकारी आए हैं चक्का जाम को सफल बनाने के लिए। वो 3 घंटे के आईपीएल की तरह यहां पर 3 घंटे किस तरीके से वक्त गुजार सकते हैं वो दिखा रहा है। युवा प्रदर्शनकारी है अक्सर ये जो चक्का जाम करवाने पहुंचे थे, लेकिन अब ये क्रिकेट खेल रहे 3 घंटे के लिए, ये इसी तरह से क्रिकेट खेल, यानी प्रदर्शन के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर देखिए महिलाएं भी बैठी हुई हैं, महिलाएं भी यहां पर आपको नजर आएंगी। महबूब आप थोड़ा जूम करके उन तस्वीरों को दिखाइएगा जो महिलाएं यहां पर टोल पर बैठी हुई हैं, यहां पर पहुंची हुई है पानीपत के गांव गांव से महिलाएं पहुंची है। देखिए शुरू जब हुआ था 12 बजे से, तब यहां पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ कम थी, लेकिन अब लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पुलिस ने चालाकी से जो है पूरा सड़क रूट डायवर्ट कर दिया। उसके बाद भी ये जो है बैठे हुए नारेबाजी कर रहे शांति से। देखिए कोई साइड से ना निकल जाए तो जहां महिलाएं बैठी हैं वहीं दूसरी तरफ देखिए वो ट्रैक्टर लगाकर उस रूट को बैरिकेड कर दिया गया है, जो रूट यहां से शहर के भीतर को जाता है और वहां से भी कई रास्ते निकलते हैं दूसरी ओर जाने के। यही वजह है कि टोल पर जो औरतें बैठी हुई हैं उनके ठीक पास ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और अच्छी बात यह कि इसमें हर उम्र की औरतें नजर आ रही हैं, महिलाएं हैं जो अपने अपने घरों से निकली हुई हैं। बिल्कुल कुछ महिलाओं से ही बात कर लेंगे कि क्या कहना। देखिए नारेबाजी अब शुरू हो गई है, क्या कहना है अम्मा, बोल रहे अब चक्का जाम के बाद अगला क्या होगा। हाँ जी, चक्का जाम के बाद अगला क्या होगा। हम सरकार से ये कहते हैं कि ये तीनों कानून
वापिस लो, अगर ये वापिस ना लिए जाएगी तो हम फिर महिला शक्ति इकट्ठी हो गए एकता अपनी जिंदाबाद। बिल्कुल देखिए, यानी कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और ये पानीपत टोल की तस्वीरें हैं जहां एक और महिलाएं बैठी हुई हैं, दूसरी ओर युवा क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। अक्षय तेन आप बने रहिए, यहां पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन देखिए हमारे सहयोगी लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, सुबह से वहां मौजूद है और पल पल की हलचल पर इनकी नजर बनी हुई है, आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं लगातार।